वेलकम बैक। मैं बना रही हूँ सादा पराठा। सादा पराठा बनाने के लिए तवा गरम करेंगे और सादा पराठा जिस तरीके से बेलते हैं उस तरीके से मैं बता रही हूँ। चका बेलन लेंगे, एक आटे की लोई लेंगे और इस तरीके से गैस सादा पराठा आप आसानी से बना सकते हैं। सूखा आटा डालेंगे और इसको बेलन से बेल लेंगे और फिर इसमें ऑयल लेंगे एक कटोरी में और ऑयल इस तरीके से लगा लेंगे। फिर इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, फिर ये तिकोना पराठा बन जाएगा। फिर इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे और इसको बेल लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये तिकोना पराठा मैंने बेल लिया है, बहुत ही आसानी से बेल जाता है। तवा गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे इसको पलट देंगे। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, फिर इसको दबाएंगे इस तरीके से तो ये फूल जाएगा। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आप सादा पराठा बना सकते हैं फटाफट। तो गाइस पराठा बन गया है, इसको सर्व कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पराठा बनके तैयार हो गया है। इसको आप सब्जी से या जो भी अवेलेबल हो अचार से उससे आप खाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है पराठा। तो ये गाइस सादा पराठा है। और तो आपको पराठे की वीडियो कैसी लगी गाइस? तो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और खाइएगा गर्म गर्म पराठे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि तवा गर्म है और मन चले हलवा खाने का, आटे का हलवा। और सर्दियों का मौसम है और आटे का हलवा खाने का मन हो तो जैसे पराठा बनाया है उसके बाद बना लेते हैं। वही तवे में गरम रहता है ऑलरेडी, तो इसमें डालेंगे गरम तवे में आटा सूखा, जितना आप अवेलेबल हो उस तरीके से आप बनाना चाहें। तो मैं गाइस बना रही हूँ एक कटोरी आटे का हलवा। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको भूनेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी तवा बहुत गर्म है। अब इसमें डालेंगे ऑयल, और इसको भून लेंगे। गैस को गैस ऑफ कर दिया है। तो गैस जिस तरीके से आप पनीरी बनाते हैं उसी तरीके से आप आटे को इस तरीके से भून लें और इसकी गुठलियाँ इस तरीके से दबा दबा कर गुठलियाँ चली जाएंगी और ये अच्छे से पंजीरी जैसा बन जाएगा। अगर आपने पंजीरी की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक कमेंट कर दूंगी और आप देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। गैस को ऑन करेंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया था और ये गैस इस तरीके से आटे को मैंने अच्छे से भून लिया है। और जितना ज़्यादा नहीं भूनना है गैस, ज़्यादा भूनेंगे तो काला हो जाएगा तो आटे का हलवा बिल्कुल बेकार लगेगा खाने में। इस तरीके से गैस आटे का हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और फटाफट बन जाता है 5 मिनट के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आटा अच्छे से भून गया है। मैंने लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इसमें पानी डालेंगे, आधा ग्लास समथिंग मैंने इसमें पानी डाला है। इसको चलाएंगे, अब डालेंगे गाइस इसमें मीठी, करने के लिए चीनी 2 टीस्पून चीनी डाल दिए इसमें, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको चलाएंगे। गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। और इस तरीके से चलाएंगे, अब आप देख सकते हैं कि हलवा बन रहा है।
बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, आपका मन अगर हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फटाफट हलवा आटे का। बच्चों को भी गाइस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसको दबाएंगे इस तरीके से ताकि कहीं भी गुठली हो आटे की तो वो फट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हलवा बन गया है। अब इसको सर्व कर लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, एक प्लेट लेंगे निकाल लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आटे का हलवा बनके तैयार हो गया है और खाइएगा गरम गरम आटे का हलवा। और इसको बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, खुद को भी खूब पसंद आता है और खाइएगा और उनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसमें इलायची नहीं डाल रही है, और गरी का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। ये हमने फटाफट बना लिया है आटे का हलवा, 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो गया है। तो गाइस आपको आटे के हलवे की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। कम्युनिटी ऑप्शन में मेरा चैनल है, उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे शॉर्ट्स की वीडियो देखिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बिहारी जी के लिए भी भोग लगा कर खिलाइएगा, बिहारी जी को भी बहुत पसंद है आटे का हलवा। ये पंजीरी हो जाती है पहले, फिर बाद में हलवा हो जाता है। इसमें हलवा बना सकते हैं पंजीरी, चाहे तो पंजीरी भी बना सकते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।